हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आइए जानते हैं 313 के बारे में। हर एक क्रिमिनल केस में 313 क्यों बनता है, क्या इसके पीछे कारण और धारा 313 क्या है, तो आइए इस वीडियो में इसी माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं। सो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल सिंह और आप देख रहे हैं एडो हेल्प अस। अगर हम बात करें धारा 313 की, तो अभियुक्त की परीक्षा करने की शक्ति, यानी प्रत्येक जांच या विचारण में इस प्रयोजन से कि अभियुक्त अपने विरुद्ध साक्ष्य में प्रकट होने वाली किन्हीं परिस्थितियों का स्वयं स्पष्टीकरण कर सके। जहां न्यायालय ए किसी प्रक्रम में अभियुक्त को पहले से चेतावनी दिए बिना उससे ऐसे प्रश्न कर सकता है जो न्यायालय आवश्यक समझे। बी अभियोजन के साक्षियों की परीक्षा किए जाने के पश्चात और अभियुक्त से अपनी प्रतिरक्षा करने की अपेक्षा किए जाने के पूर्व उस मामले के बारे में उससे साधारणतया प्रश्न करेगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि किसी समन मामले में जहां न्यायालय ने अभियुक्त को व्यक्तिगत हाजिरी से अभिमुक्ति दे दी है, वहां पर वह खंड बी के अधीन उसकी परीक्षा से भी अभिमुक्त दे सकता है। जब अभियुक्त की उपधारा एक के अधीन परीक्षा की जाती है, तब उसे कोई शपथ न दिलाई जाएगी। अभियुक्त ऐसे प्रश्नों के उत्तर देने से इनकार करने से या उनके मिथ्या उत्तर देने से दंडनीय न हो जाएगा। अभियुक्त द्वारा दिए गए उत्तरों पर उस जांच या विचारण में विचार किया जा सकता है और किसी अन्य ऐसे अपराध की जिसकी उसके द्वारा किया जाना दर्शाने की उन उत्तरों की प्रवृत्ति हो, किसी अन्य जांच या विचारण में ऐसे उत्तरों को उसके पक्ष में या उसके विरुद्ध साक्ष्य के तौर पर रखा जा सकता है। न्यायालय उन सुसंगत प्रश्नों जो अभियुक्त के समक्ष किए जाने हैं को तैयार करने में अभियोजक तथा प्रतिरक्षा अधिवक्ता की सहायता ले सकेगा तथा न्यायालय उस धारा के पर्याप्त अनुपालन के रूप में अभियुक्त द्वारा लिखित कथन दाखिल किए जाने की अनुज्ञा दे सकेगा। इस बारे में दोस्तों एक उदाहरण है, तो आपको बता दें कि धारा 313 के अंतर्गत अभियुक्त का परीक्षण किया जाना सदैव आवश्यक नहीं है। जहां अभियुक्त के सरकारी गवाह के कथनों तथा नमूने लेने, उसे मोहर बंद करने तथा विश्लेषक के पास भेजने के तथ्य को स्वीकार कर लिया गया हो और गवाह से प्रति परीक्षा भी नहीं की गई हो, वहां धारा 313 के अंतर्गत अभियुक्त का परीक्षण नहीं किए जाने से उसके हितों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है। स्टेट ऑफ पंजाब बनाम स्वर्ण सिंह AIR 2005 SC 3114। वहीं पर अगर हम दूसरे उदाहरण की बात करें, तो अभियुक्त के परीक्षण का मुख्य उद्देश्य अभियुक्त को उसके विरुद्ध आई साक्ष्य के बारे में स्पष्टीकरण देने का अवसर प्रदान करना है। अभियुक्त का परीक्षण ऐसे प्रश्नोत्तर रूप में किया जाना चाहिए जो एक अशिक्षित व्यक्ति के भी समझ में आ जाए। अजय सिंह बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र AIR 2007 SC 2188। दोस्तों आपको बता दें कि धारा 313 के बारे में बहुत सारे उदाहरण हैं। यहाँ पर एक उदाहरण आपको और बता दें, अभियुक्त के कथन को लेखबद्ध किया जाना। चेक अनादरण के मामलों में अभियुक्त के अधिवक्ता की उपस्थिति में साक्ष्य लेखबद्ध की जा सकती है तथा धारा 313 के अंतर्गत अभियुक्त के कथन लेखबद्ध किया जाना आवश्यक नहीं है। श्रीमती जैन बाबू बनाम KJ जोसेफ AIR 2009 NOC 404 केरल। अभियुक्त मात्र धारा 313 के आज्ञापक प्रावधानों की अनुपालना नहीं किए जाने के आधार पर स्वतः दोष मुक्त होने का हकदार नहीं हो जाता है। योगेश सिंह बनाम महावीर सिंह AIR 2016 SC 5160। दोस्तों दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 313 के बारे में आप जान गए होंगे, साथ ही साथ इस धारा में बहुत सारे उदाहरण दिए गए हैं कि किस प्रकार से इस धारा का अनुपालन किया जाएगा और न्यायालय किस प्रकार से इस धारा का अनुपालन करेगी। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।